अर्थमेटिक इन सी, सी प्रोग्रामिंग में जोड़ बाकी गुणा भाग, सिंपली कहें तो। तो इसके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको अब हम एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले हम देखें सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो जैसे एडिशन है, जोड़ना है, इसका अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है प्लस। सी प्रोग्रामिंग में प्लस से डिनोट करते हैं इसको। इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ए प्लस फाइव, मतलब हमें कहीं भी लिखना है तो हम ए प्लस फाइव लिखेंगे। इसका मतलब ए में पाँच जोड़ रहे हैं। सी में इसको भी, सी प्रोग्रामिंग में भी इसको ए प्लस फाइव ही लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन, घटाना, घटाने के लिए माइनस का साइन यूज होता है सी प्रोग्रामिंग में। और इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ए माइनस बी, मतलब हम कहीं भी एक संख्या में से दूसरी संख्या, जैसे ए में से बी घटाते हैं तो हम ए माइनस बी लिखते हैं। सी में भी इसको ए माइनस बी ही लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन, इसका अर्थमेटिक ऑपरेशन है स्टार, मतलब सी प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लिकेशन को स्टार से डिनोट करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसका ए बी, जैसे ए और बी दो वेरिएबल हैं तो हम साधारणतया उनके मल्टीप्लिकेशन को ए बी से लिख देते हैं, और कई जगह ए क्रॉस बी से भी लिखते हैं। क्रॉस साइन होता है, उससे मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता है, तो ए क्रॉस बी भी लिख देते हैं। अब हम इसको देखें तो सी प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग में इसको ए स्टार बी से लिखेंगे। इसी तरह से डिवीजन, सी प्रोग्रामिंग इसके लिए ऑपरेटर है स्लेस, फॉरवर्ड स्लेस। यदि नॉर्मल भाषा में बात की जाए, नॉर्मल, तो हम इसको ए स्लेस बी से भी लिखते हैं। ए और बी उनके बीच में एक ओरिजेंटल लाइन, उसको ऊपर नीचे लिखते हैं और बीच में एक ओरिजेंटल लाइन बना देते हैं। या एक डिवाइड का साइन होता है जिसमें एक ओरिजेंटल लाइन होती है और उसके ऊपर और नीचे डॉट बनाए होते हैं, उससे भी ए जो डिवाइड का साइन है वो और बी, इस तरह से हम डिवाइड को लिखते हैं, डिवीजन को लिखते हैं। सी प्रोग्रामिंग में इसका एक्सप्रेशन है ए स्लेस बी, मतलब ए स्लेस बी का मतलब ए में बी का भाग दे रहे हैं, ए से बी को डिवाइड कर रहे हैं। रिमाइंडर, भागफल। अर्थमेटिक ऑपरेशन है परसेंटेज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ए मॉड बी, मतलब हम किसी एक इंटीजर में दूसरे का भाग दे रहे हैं तो जो शेष फल आता है उसको नॉर्मल एल्जेब्रा में हम ए मॉड बी लिखते हैं, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में इसको ए परसेंटेज बी लिखते हैं, मतलब ए में बी का भाग देने पर शेषफल क्या बचता है वो ए परसेंटेज बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में हम देखें एक एग्जांपल। तो एक एग्जांपल लिया है जिसमें ए और बी दो वेरिएबल हैं। बाद में एक प्रॉम्प्ट किया है, एंटर टू इंटीजर्स विद स्पेस, कि दो इंटीजर स्पेस के साथ दिए जाएँ। उसके बाद में एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा है, उसमें दो बार परसेंटेज डी लिखा है, मतलब दो वैलिड आइडेंटिफायर्स यहाँ रीड किए जाएंगे। जो पहला वेरिएबल होगा वो ए में रीड होगा, दूसरा बी में रीड होगा। उसके बाद में कुछ प्रिंट टाइप स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें पहले प्रिंट टाइप में ए प्लस बी प्रिंट किया, दूसरे में ए माइनस बी, तीसरे में ए स्टार बी, चौथे में ए स्लेस बी और पाँचवे में ए परसेंटेज बी। यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करके देखा गया तो हमने दो वैल्यूज दी, 20 और 7। तो ए की वैल्यू 20 हो गई, बी की वैल्यू 7। जब एडिशन जहाँ प्रिंट कर रहे हैं वहाँ 27 प्रिंट हो रहा है, सब्ट्रैक्शन 13 प्रिंट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन 146 प्रिंट हो रहा है, डिवाइड 2 प्रिंट हो रहा है, और 20 में 7 का भाग दें तो दो बार भाग जाता है और 6 से इस पल बच जाता है, तो रिमाइंडर के रूप में 6 प्रिंट हो गया है। एल्जेब्रा, इन एल्जेब्रा इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई ए टाइम्स बी, वी कैन सिंपली प्लेस दीज सिंगल लेटर्स वेरिएबल नेम्स साइड बाई साइड एज ए बी। And see however, if we were to do this, AB would be interpreted as a single two letter name or identifier. तो होता क्या है, हम प्रोग्रामिंग में सब कुछ एक ही लाइन में लिखते हैं, तो जब नॉर्मली हम ए बी लिखते हैं इसका मतलब वेरिएबल ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में यदि ए बी लिखेंगे तो ए बी अपने आप में एक आइडेंटिफायर हो जाएगा, मतलब किसी वेरिएबल का नाम हो जाएगा, मतलब वेरिएबल का पूरा नाम ए बी है। जैसे ए अकेला नाम था, इंटीजर में हमने इतने करेक्टर लिखते हैं, INTGR1। उसी तरह जब वेरिएबल नेम ए बी हो सकता है, ए बी का मतलब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं है सी प्रोग्रामिंग में। इसलिए हमें जब सी प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम इसको एक स्टार ऑपरेटर से दिखाएंगे, मतलब ए और बी के बीच में स्टार लगाएंगे, इसका मतलब होगा ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है। सामान्यतः हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार काम में लिया जाता है, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में एक स्टार लगाकर ही उसको लिखा जाता है।
बाद में डिवाइड, तो ए डिवाइडेड बाय बी, एक में बी का भाग देने पर सी प्रोग्राम। नॉर्मल में हम जब लिखते हैं तो ए स्लेस भी लिखते हैं, या कुछ लोग ए ओ को ऊपर, बी को नीचे, और बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, या ए बाद में डिवाइड का साइन बाद में बी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लाइन में लिखेंगे, ए की लाइन में लिखेंगे सब कुछ, तो ए डिवाइड बी एक लाइन में लिखेंगे तो हम ओरिजेंटल वाला पैटर्न नहीं अपना सकते, हम डिवाइड का साइन कीबोर्ड पे नहीं रखते हैं। तो यहाँ सी प्रोग्रामिंग में डिवाइड के लिए ए फॉरवर्ड स्लैश बी लिखा जाता है। ए फॉरवर्ड स्लैश बी का मतलब है ए को बी से डिवाइड किया जाता जा रहा है, ए में बी का भाग दिया जा रहा है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें 5 इंटीजर्स डिक्लेयर किए हैं, A1, A2, A3 और A4 एंड R। इसी तरह से बाद में एक प्रॉम्प्ट किया है, एंटर 4 इंटीजर्स विद स्पेस, मतलब 4 इंटीजर स्पेस के साथ दें। और उसके बाद में स्कैनफ स्टेटमेंट है जिसमें 4 बार परसेंटेज डी लिखा, मतलब 4 आइडेंटिफायर्स की वैल्यू ये रीड करेगा। जो आइडेंटिफायर की वैल्यू रीड करेगा वो पहली वैल्यू A1 की होगी, दूसरी A2 की, तीसरी A3 की, चौथी वैल्यू A4 की। उसके बाद में एक असाइनमेंट किया है, AR1 R इक्वल टू पैरेंथेसिस में लिखा है A1 प्लस A2, बाद में स्टार है, बाद में पैरेंथेसिस में लिखा है A3 प्लस A4। मतलब A1 और A2 जो है उनकी वैल्यू को ऐड करो, A3 और A4 की वैल्यू को ऐड करो, बाद में जो वैल्यू जाते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, बाद में R की वैल्यू प्रिंट कर दो। हमने एग्जीक्यूट किया, इनपुट में वैल्यूज दी 2, 3, 5, 6 और आउटपुट हमें मिला 55। तो यहाँ पैरेंथेसिस क्या काम आता है, तो पैरेंथेसिस सी प्रोग्रामिंग में किसी भी एक्सप्रेशन में उसी तरह से काम आता है जैसे नॉर्मल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है। जैसे हम कोई अल्फाबेटिक कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हम सबसे पहले पैरेंथेसिस को सोल्व करेंगे, उसके बाद में उसके बाहर के ऑपरेशंस को सोल्व करते हैं। सी प्रोग्रामिंग में जैसे मुझे पहले ये एडिशन करना है, नॉर्मली एडिशन बाद में होता है लेकिन पहले हमको ऐड करना, बाद में मल्टीप्लाई करना है, तो उसको पहले हम पैरेंथेसिस में डाल देंगे। एक और एग्जांपल, इस बार 6 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए और फिर उनमें से 5 को रीड कर रहा हूँ और एक एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, A1 माइनस A2 स्टार A3 स्लेश A4 प्लस A5, तो और उसका आउटपुट प्रिंट कर रहा हूँ। इसका एग्जीक्यूशन में क्या होता है वो भी प्रिंट कर दिया है, तो यहाँ ये प्रिंट करेगा एंटर 5 इंटीजर्स विद स्पेस, और मैंने यहाँ पर 5, 9, 5, 3, 20 ये वैल्यूज दे दी, इसका आउटपुट 10 आया। तो सी प्रोग्राम सी इवोल्यूट्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन द प्रिसाइज सीक्वेंस डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग रूल ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस विच आर जनरली द सेम एज दोज फॉलोड इन एलजेब्रा। जो एलजेब्रा में नॉर्मल एलजेब्रा बीजगणित में जो हम नियम फॉलो करते हैं वो ही यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में काम में लेते हैं। और एलजेब्रा में जैसे हम डिवाइड को स्टार और मल्टीप्लीकेशन को पहले करते हैं, सी प्रोग्रामिंग में पहले डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ये रूल क्या है वो हम देखें, तो उसमें आता है कि सबसे पहले हम गुणा, भाग और रिमाइंडर, शेषफल, इनको वरीयता देते हैं। ये वरीयता क्रम में सबसे ऊपर होते हैं, मतलब हमें किसी भी एक्सप्रेशन में गुणा, भाग या रिमाइंडर, मतलब परसेंटेज, मतलब शेषफल मिलता है तो सबसे पहले हम उनको पूरा करेंगे। जैसे अपने एक्सप्रेशन में A2 और A3 के बीच में गुणा है, A3 और A4 के बीच में डिवाइड है, तो सबसे पहले हम इनको सोल्व करेंगे। जैसे A1 और A2 के बीच में माइनस साइन है या A4 और A5 के बीच में प्लस साइन है, पहले उनको सोल्व नहीं करेंगे, पहले A2 और A3 के बीच में क्या है उसको सोल्व करेंगे। यदि किसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड दोनों साथ में आ गए तो उनमें पहले किसको करें, तो यहाँ जैसे हमने एक्सप्रेशन लिखा है A1 माइनस A2 प्लस स्टार A3 स्लेश A4 प्लस A5, तो A2 और A3 के बीच में स्टार आया है, A3 और A4 के बीच में स्लेश आया है, तो ये साथ में आ गए, इनमें पहले किसको करें, क्योंकि दोनों की वरीयता सेम है, दोनों सेम वरीयता रखते हैं, दोनों को ही शुरू मतलब पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर अपने लेफ्ट टू राइट का रूल लगाएंगे, जो लेफ्ट में है जो बाएं हाथ की तरफ है उसको पहले सॉल्व करेंगे, दाएं हाथ वालों को बाद में, मतलब A2 स्टार A3 इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद में A4 का भाग देंगे। मल्टीप्लीकेशन जो गुणा है और डिवीजन जो भाग है और रिमाइंडर शेषफल है, ये सेम लेवल की प्रेसिडेंस रखते हैं, मतलब सेम समान स्तर की वरीयता रखते हैं, मतलब इनको एक ही क्रम में
हल किया जाता है, इनको सबसे पहले मतलब औरों से पहले हल किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हमने जैसे ए टू स्टार ए थ्री लिखा है, इसको सबसे पहले करेंगे और उसका जो आउटपुट होगा उनको दोनों को गुणा करने पर जो आएगा उसको हम ए फोर से डिवाइड करेंगे, मतलब उसमें ए फोर का भाग दे देंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल जो लिया था 5 - 9 * 5 / 3 + 20, तो इसमें पहले 9 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी जगह 45 हो जाएगा और एक्सप्रेशन बन जाएगा 5 - 45 / 3 + 20। उसके बाद में डिवाइड होगा तो 5 - 45 / 3 = 15 और 20 अपनी जगह, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 5 - 15 + 20। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उनको बाद में एवेल्यूट किया जाता है, उनकी गणना बाद में की जाती है। जैसे मल्टीप्लाई, गुणा, भाग और शेषफल की गणना हो चुकी है, उसके बाद में जोड़ बाकी किए जाते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन में यदि एक से ज़्यादा जोड़ और बाकी मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन हैं तो उनको समान वरीयता दी जाती है। उनको समान वरीयता होने के कारण यदि एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो उन्हें लेफ्ट साइड से राइट साइड में सॉल्व किया जाता है, मतलब जो लेफ्ट मोस्ट एडिशन है सब्ट्रैक्शन है उसको सबसे पहले और राइट मोस्ट है उसको सबके बाद में किया जाता है। जोड़ और बाकी है, एडिशन और सब्ट्रैक्ट जो है उनकी वरीयता गुणा, भाग और शेषफल से कम होती है, मतलब पहले गुणा, भाग और से स्पल वाला काम किया जाता है, उसके बाद में जोड़ और बाकी मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नंबर आता है। तो जैसे हमने जो एक्सप्रेशन लिखा था उसमें हम 5 - 15 + 20 पर पहुँच गए, उसके बाद क्या किया जाएगा, तो उसके बाद पहले 5 - 15 को एग्जीक्यूट किया जाता जाएगा, क्योंकि अब अपने पास सब्ट्रैक्शन और प्लस एडिशन ये दो ही ऑपरेशन बचे हैं, तो इनमें पहले कौन सा किया जाए, तो इनमें पहले लेफ्ट टू राइट का रूल लगेगा। लेफ्ट मतलब लेफ्ट में 5 - 15 है तो पहले उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी -10, तो जो बाद में ये एक्सप्रेशन बन जाएगा -10 + 20। तो अब -10 + 20 जो है उसका रिजल्ट लिख दिया जाएगा जो कि 10 है। द रूल्स ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस स्पेसिफाई द ऑर्डर सी यूजेस टू इवैल्यूएट एक्सप्रेशंस। द एसोसिएटिविटी of the operators specifies whether they evolute from left to right or from right to left. इसी प्रोग्रामिंग में जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो किसी भी एक्सप्रेशन को जो लंबा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें गणना के लिए काम में लिया जाता है, और जैसे हमने लिखा उस तरह से ये एक रूल को फॉलो करते हैं। आगे टेबल में एक इसको फिर से देख लेते हैं, तो सबसे पहली वरीयता दी जाती है पेरेंथेसिस को, जो छोटा कोष्ठक है उसके अंदर लिखा है उसको, तो छोटे कोष्ठक के अंदर जो लिखा है वो सबसे पहले उसकी गणना होगी, उसको कैलकुलेट करेगा, उसके बाद में नंबर आएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर का, उनका सेकेंड नंबर आता है पेरेंथेसिस के बाद में, उनमें जो लिखा है उसको इवैल्यूएट किया जाता है, उसके बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नंबर आता है, और ये सारे ऑपरेशन हो जाने के बाद इक्वालिटी का नंबर आता है, मतलब असाइनमेंट का जो यहाँ से एवोल्यूट हुआ है वो किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन कर दिया जाता है।